Audio Jungle. So now students, today I am going to start R.D. Sharma, class 9th maths, factorization of polynomials. अब देखिए स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमें इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें यूज होना है फैक्टर थ्योरम का। कौन सी थ्योरम का यूज होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर यूज होगा फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। जो भी पॉलिनोमियल हम लेंगे उसकी डिग्री ग्रेटर देन या तो वन होगी या वन से लार्जर होगी। एंड ए बी अ रियल नंबर और ए बी अ रियल नंबर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कन्वर्सली इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल में सपोज करिए स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये है। अब अगर इसमें पी ए की वैल्यू जीरो कैसे आएगी, ये हमें सोचना है, ठीक है। अगर एक नंबर हम ऐसा लेते हैं कि उससे पी ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, सपोज करिए वी आर टेकिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, तो पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस टू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए माइनस ये हो गया हमारा, ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, ठीक है, तो ये हो गया टेन माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये आ गया स्टूडेंट, टेन माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो आ गया आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अब हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिया था, सो एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फैक्टर है कि अगर एक्स की कोई वैल्यू लेने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो उसका फैक्टर है। अगर ये एक्स प्लस टू इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू को पी ऑफ माइनस टू को हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, बस इसी का इसमें यूज है। अब देखिए रिमार्क दिया है कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स प्लस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू जीरो आएगी। अगर ए एक्स माइनस बी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो पी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो आएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, हम आपको सेकेंड क्वेश्चन से बता रहे हैं, ठीक है। वैसे भी जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो उसके जीरो होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया गया है एट एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसमें एक्स इज इक्वल टू वन वाई टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये x इज इक्वल टू वन वाई टू इसका एक जीरो है, x बराबर x इक्वल टू वन वाई टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो जब x इज इक्वल टू 1 बाई 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो यहां पर क्या हो जाएगा f 1 बाई 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वल 0 के मान लेंगे बस। अब ये इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो 0 इज इक्वल टू 8 ठीक है इंटू 1 बाई 2 का क्यूब प्लस a 1 बाई 2 स्क्वायर ठीक है माइनस 4 और x की वैल्यू 1 बाई 2 ठीक है प्लस 2 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ये आ जाएगा 0 इक्वल 8 इंटू 1 बाई 2 का क्यूब करोगे आएगा 1 अपॉन 8 ठीक है प्लस a इंटू 1 बाई 4 माइनस 2 प्लस 2 इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए 8 से 8 कैंसिल हो गया यहाँ आ गया 0 इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 4 ठीक है तो a अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि जब तक ये 0 के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट इसकी वैल्यू नहीं आएगी ठीक है तो a इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 आ गई सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें सेम है स्टूडेंट्स। अब देखिए राइट द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब पॉलिनोमियल x प्लस 1 से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है ठीक है तो ये हो जाएगा कि पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ठीक है x प्लस 1 सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी ठीक है तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस ये स्टूडेंट x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में टाइम लगता है सीधा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एश्यूम करके ठीक है x इज इक्वल टू माइनस 1 इसमें पुट कर दीजिए बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर ठीक है माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 सॉरी ठीक है प्लस 2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 2 तो 3 प्लस 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो गया ये आ गया 5 आ गया हमारा ठीक है तो राइट द रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया स्टूडेंट्स ठीक है। अच्छा इसमें रिमाइंडर हमें फाइंड करना था ठीक है राइट द तो इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं लेंगे इसको क्योंकि रिमाइंडर हमें फाइंड करना था ठीक है तो रिमाइंडर जब हमें फाइंड करना था तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी यही रिमाइंडर हो जाएगा ठीक है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ एक्स ये हो गया ठीक है तो ये आ गया था एफ माइनस 1 यही रिमाइंडर होगा हमारा एफ माइनस 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4 में हमें करना था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय x। अब देखिए यहाँ लिखा डिवाइडेड बाय x तो यहाँ पे जो है तो x इज इक्वल टू 0 इसमें हम पुट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे अब हम इसको मान लेंगे कि हमारा पी एक्स इज इक्वल टू है कितना है पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ठीक है प्लस 4x प्लस 3 ये हो गया स्टूडेंट्स ठीक है इतना आ गया ये। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो p 0 यही रिमाइंडर हो जाएगा ठीक है 0 प्लस 0 प्लस 0 x की वैल्यू 0 रखोगे 3 यही आंसर आ जाएगा 3 हमारा जो है वो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ठीक है। अच्छा माइनस 3 लिखा है ठीक है
यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो है -3 दिया है, तो -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है -3 -3, तो ये -3 जो है वो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है सब, है ना। एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x³ + a, देन राइट द वैल्यू ऑफ a। अब x+1 जो है वो x³ + a का एक फैक्टर है, ठीक है, तो हमें a की वैल्यू करना है। अब चूंकि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + a, सो x³ + a इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसको x+1 इक्वल टू 0 मान करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, x की वैल्यू -1 आ गई स्टूडेंट। अब इसमें हम रख देंगे, तो देखिए -1³ + a इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0, तो जो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि -1³ - 1 होता है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कि f(x)(x⁻²-2x³+3x²-ax-b) व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 द रिमाइंडर इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b। ठीक है, इसको x-1 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 6 आता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b। अब देखिए जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 6 आता है, तो ये हमें पता चल गया, यानी जो fx की वैल्यू होती वो रिमाइंडर होती है स्टूडेंट। तो ये आ गया 6 = ये आ गया आपका, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 6 = x⁴ - 2x³ + 3x², ठीक है, -ax - b, ये हो जाएगा -ax - b। अच्छा, अब चूंकि इसको x-1 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए, ये आ जाएगा 6 = 1 का, देखिए कुछ भी करोगे 1 होता है। ठीक है, 1³ = 1, 1² = 1, 1⁴ = 1, ठीक है, तो -a - b, ये आ गया, तो 6 = 3 + 1 - 4 - 2, -a - b, तो 6 = 2 - a - b, तो 6 - 2 = -a + b, ठीक है, तो 6 - 2 = 4, ठीक है, तो -a + b, तो a + b = -4, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो सिक्स क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है सिक्स क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसके MCQs हैं, ये कौन से क्वेश्चन है आपकी, ये MCQs हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन MCQs को भी इसी तरीके से करना है। देखिए ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ इतने, देन a इज इक्वल टू, अब x-2 इसका एक फैक्टर है, तो जब x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 3ax - 2, सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, नाउ x-2 = 0, देन वी पुट x = 2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, या इन दिस पॉलिनोमियल, सो 2² + 3a(2 - 2a) = 0, ठीक है, सो 2² = 4 एंड प्लस 3 × 2 × 3a (6a) -2a = 0, सो 4a = -4, सो a = -1, ठीक है, a = -1, सो ये स्टूडेंट्स a = -1 इज द आंसर। ओके,
इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो स्टूडेंट्स 1 आएगा, इसका आंसर जो है -1 आया, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड भी देखिए सेम है स्टूडेंट्स, आप एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू, वर्ड क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, जब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू देन एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के, सो एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस फोर एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो एंड पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है, देन यू विल फाइंड द आंसर, सो यू कैन सॉल्व इट स्टूडेंट्स इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस इतने देन द वैल्यू ऑफ बी इज ठीक है, ये भी जब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर ए प्लस टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, नाउ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू ए, सो पुट एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब सॉरी थ्री ए क्यूब यहाँ भी ए क्यूब आएगा ठीक है प्लस बी इक्वल टू जीरो ठीक है, सो टू ए क्यूब और ये प्लस का ये माइनस का बोथ आर सेम सो बी इज इक्वल टू जीरो, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके। अब देखिए फोर्थ ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन बट इफ यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई द एक्स प्लस वन देन ठीक है यू आर इन ट्रॉवल ठीक है, यू आर इन ट्रॉवल मतलब आप मुश्किल में आ जाओगे, तो इसलिए क्या है इसका कि इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, तो जब दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स की पावर 140 इंटू टू इंटू एक्स की पावर 151 प्लस के इक्वल टू जीरो, नाउ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन यू विल फाइंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओके, सो नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन दिस पॉलिनोमियल, सो माइनस वन पावर 140 प्लस टू इन टू माइनस वन पावर 151 प्लस के इज इक्वल टू जीरो ठीक है, इफ द पावर ऑफ इवन देन देन यू विल फाइंड ठीक है नंबर इन पॉजिटिव मतलब माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी तो वन हो जाएगा, अब यहां पर माइनस वन की पावर जो है ऑड है ठीक है तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी के इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो जाएगा वन माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो ठीक है, तो के इज इक्वल टू माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई, तो स्टूडेंट फोर का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिए फाइव क्या है, इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन आर द फैक्टर ऑफ विदिन देन द वैल्यू, अब स्टूडेंट्स नाउ देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयर आर टू फैक्टर्स ठीक है, सो वी पुट फर्स्ट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड देन आफ्टर वी पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इन दिस पॉलिनोमियल ठीक है, एंड बोथ आर द फैक्टर्स सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी जीरो ओके, सो एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो ठीक है, नाउ फर्स्ट
x plus 2 is equal to 0. So, put x is equal to minus 2. So, x is equal to minus 2. So, minus 2 cube plus 10 into minus 2 square plus m into minus 2 plus n is equal to 0. Okay? So, minus 8 plus 40 minus 2m plus n is equal to 0. Okay? So, minus 8 plus 40, so 32. So, 32 minus 2m plus n is equal to 0. Okay? This is the equation first. Okay? Now, x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. So, 1 plus 10, okay, put x is equal to 1 in this equation, okay, in polynomial. So, 1 plus 10 plus m plus n is equal to 0, okay. So, m plus n is equal to minus 11. Or here, we can write it as, okay, minus 2m plus n equal to minus 32. Okay, so solve, okay, these two equations. On solving these two equations, any minus 2m plus n equal to minus 32, okay, and m plus n is equal to minus 11. ठीक है, अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए. जब इसको सबट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि n से n कैंसिल होगा, तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल होगी, यहाँ पे आ गया माइनस 3n. ठीक है, माइनस 3n इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना आएगा, 21 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 21. ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी 21 अपॉन 3, तो कितना आ गया, 7 आ गया स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये n की वैल्यू जो है, नहीं m, सॉरी m, ठीक है, ये m की वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पर m था, m की वैल्यू 7 आ गई स्टूडेंट्स. ठीक है, तो m की वैल्यू 7 केवल एक ही में दिया है, ठीक है, इसमें c में, और कहीं नहीं दी m की वैल्यू 7, तो दूसरी वैल्यू जो आएगी वो हमारी माइनस 18 आएगी, तो ऑप्शन c करेक्ट हो जाएगा. आप चाहें तो n की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके पुट कर सकते, ठीक है. देखिए ये था m plus n is equal to minus 11. अब यहाँ पर m की वैल्यू 7 आई थी, तो 7 plus n is equal to minus 11. n is equal to minus 11 minus 7 is equal to minus 18. तो ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट. अब देखिए 6 में क्या है, 6 क्वेश्चन में ये है कि let fx be a polynomial such that f minus 1 by 2 is equal to 0, then a factor of fx is. तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, ये fx है, ठीक है. देखिए इसको ध्यान से देखिए कि fx और यहाँ पर लिखा है f माइनस 1 बाई 2 और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. सो x प्लस 1 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 0. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा. तो 2x प्लस 1 जो है ये इसका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा. अब देखिए 7 वाले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें है कि व्हेन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस b इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, द रिमाइंडर इज x माइनस 6.
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट सेवन क्वेश्चन में क्या करना है कि देखिए इस पॉलिनोमियल को हमें इससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आ रहा है, एक्स माइनस सिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इससे डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हम एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आएगा माइनस थ्री एक्स। अब इनके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या बचा, ए एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस बी। ठीक है, ये रिमाइंडर बचा हमारे पास, और ये रिमाइंडर हमें दिया है स्टूडेंट कितना, एक्स माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, चलिए अगले स्टेप में ले लेंगे, तो ए एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द कोफिशियंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म बोथ साइड्स, सो ए प्लस थ्री इक्वल टू, यहाँ एक्स का कोफिशियंट वन है स्टूडेंट, तो ए प्लस थ्री इज इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस थ्री, तो ये आ गया माइनस टू, तो ए की वैल्यू माइनस टू आ गई, और बी की वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस बी है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पर बी माइनस का है। ठीक है, और हमने उसको प्लस का बना दिया, लिख दिया। ठीक है, और सब कुछ सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस बी है। ठीक है, यहाँ माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू सिक्स आएगी और ए की वैल्यू माइनस टू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट और नाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है स्टूडेंट्स कि वन फैक्टर ऑफ इतने इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, द अदर फैक्टर इज, तो दूसरा फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दूसरा फैक्टर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अदर फैक्टर चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें फाइव वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो 125 आएगा, पचम माइनस 25 रखेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, वो तो वो नहीं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जो है ये, तो x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये भी होगा माइनस का, तो ये और ये कैंसिल हो गए, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 20, ये 20 यहाँ बचे थे तो इनको हमने यहाँ पे लैंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 4 लिखेंगे, तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 20, ये आ गया। अब इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो जब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया।
अदर फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अब नाइन क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है नाइन नाइन क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो अगर एक्स माइनस वन जो है एफ एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा बट नॉट ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो जो जी एक्स है ठीक है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, तो इट मस्ट, तो ये किसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये कैसा है जब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू अगर हम ऑप्शन ए में स्टूडेंट, देखिए ए में क्या होगा कि अगर आप एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो इंटू जी एक्स बराबर जीरो आएगा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। बी में क्या हो गया, अगर बी में हम ये रखेंगे तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और कहीं जीरो नहीं होगा। देखिए सेकंड में वैल्यू रखोगे एफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये तुम्हें जी एक्स मिलेगा, क्या मिला, जी एक्स मिला। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, क्योंकि यही है जिस जो जीरो हो जाता है और कोई जीरो नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नाइन था। अब इसके बाद है देखिए टेन, टेन क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस वन ओनली इफ, तो अब इसमें क्या है देखिए x प्लस वन इसका एक फैक्टर कब होगा। ठीक है, अगर n जो है n एक इवन इंटीजर होगा, ये n क्या होगा, n एक इवन इंटीजर होगा, चूंकि ये वैल्यू प्लस में दी गई है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किस में दी गई है, ठीक है, नहीं एन इज एन इवन इंटीजर, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओनली इफ। ठीक है, चलिए हम करके बताते हैं आपको, देखिए एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, अच्छा हाँ ठीक है, तो एक्स प्लस वन जो है वो इसका एक फैक्टर है। x की पावर n प्लस वन, x प्लस वन इज अ फैक्टर, तो अब स्टूडेंट्स इसको जीरो बनाने के लिए, ठीक है, ये जीरो बनाने के लिए अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस वन की पावर n प्लस वन आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें ये मिलना चाहिए स्टूडेंट्स माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा कि व्हेन n इज ऑड देन माइनस वन की पावर एन इज इक्वल टू माइनस वन, जब एन जो है ऑड होगा स्टूडेंट तभी माइनस वन की पावर एन इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है आपका। ठीक है, चलिए तो ये स्टूडेंट्स टेन क्वेश्चन हमने आपको करके बता दिए, बाकी टेन क्वेश्चन इसमें शायद और रह गए हैं, ठीक है ट्वेंटी है, तो वो टेन हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऑडियो जंगल।